चंद्रस्थिति रोही नक्षत्राशि अतुल प्रभु अवतरला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए श्रीमत् सकल ज्ञान घन अज्ञान तिमिरच्छेदक सकल मताचार्य श्री सद्गुरु चतुर्थ दत्तावतार श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज के दिव्य एवं महिमा मंडित सिंहासन पर विराजमान परम पूज्य सकल मताचार्य श्री सद्गुरु ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज, जो संत योगी विश्रांत अखिल वेदांत शोधिति जाला, जिस प्रभु परमात्मा के स्वरूप के आकलन में श्रुतियां कुछ काम नहीं कर सकी, उनको जिस प्रभु के स्वरूप का पूर्ण आकलन नहीं हो पाया, उन्हीं श्रुतियों के माध्यम से वेद और शास्त्रों की सेवा के माध्यम से उस सगुण साकार प्रभु परमात्मा के दर्शन करने एवं उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से आए विद्वज्जन शास्त्रीगण पंडितगण विद्वत प्रवर सभी ब्राह्मण वृंद, सप्त सुरन तीन ग्राम इक्कीस मूर्छान बाईस श्रुतियन, सप्त स्वर तीन ग्राम इक्कीस मूर्छनाएं और बाईस स्वरों के माध्यम से प्रभु की संगीत सेवा कर प्रभु की कृपा प्राप्त करने तथा इस महिमा मंडित मंच को और गर्वान्वित करने के लिए अपनी संगीत सेवा के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी गुणी कलाकार जन, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता हमारे प्रिय विधायक जी राजशेखर पाटिल जी, श्री चंद्रशेखर पाटिल जी, श्री भीमराव पाटिल जी, यहाँ उपस्थित समस्त प्रभु परिवार, देश के कोने कोने आए से कोने से प्रभु के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए प्रभु भक्त, आप सभी के हृदय में विराजमान
उस प्रभु परमात्मा को नतमस्तक होते हुए आप सबको प्रभु जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबका इस प्रभु दरबार में स्वागत करता हूं। तम्मेल्लरिगू प्रभु जयंती महोत्सवदंदु हार्दिक शुभाशयगळन्नु तिळिसुत्ता ई प्रभु जन्मोत्सव कार्यक्रमदल्लि हार्दिक हार्दिक स्वागतवन्नु बयसुत्तेने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा के ये वचन तो हम सब जानते हैं, इस वचन से हम परिचित हैं। परमात्मा ने कालमान परिस्थिति के अनुसार, काल की आवश्यकता अनुसार अनेक बार अनेक रूपों में अवतार धारण किया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि रूपों में परमात्मा समुद्भूत हुए हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि इन सब अवतारों में परमात्मा किसी न किसी एक कर्तव्य के बोझ में दबे हुए हैं। उनको किसी को समझाना है, किसी का झगड़ा मिटाना है, किसी के रथ की वलगा पकड़नी है, किसी का सारथ्य करना है, कुछ करना है, किसी के पीछे दौड़ना है, किसी दुष्ट को मारना है, किसी को दंडित करना है। ये सब जो है काम परमात्मा के पीछे लगे हुए हैं। वो सुखी नहीं है। वो यदि अपने सुख स्वरूप और अपनी अपने अपने हिसाब से, यदि उनके स्वरूप के हिसाब से यदि कहीं उनका आविर्भाव हुआ है, उनका जो सहज सुख स्वरूप है उसका यदि कुछ आविर्भाव हुआ है, तो वो भगवान दत्तात्रेय के रूप में, आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय के रूप में। और वो कैसे? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान प्रदाता सद्गुरु के रूप में, आदिगुरु के रूप में भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी काम के दबाव में होते हैं, किसी के द्वारा की दी गई किसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहते हैं, तब ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं जब, या जब आप अपने स्वभावानुरूप अपने हिसाब से मस्त मौला आप जैसे हैं वैसे बनकर रहने में आपको ज्यादा आनंद आता है? निश्चित ही आप जैसे हैं वैसे बनकर रहने में आपको ज्यादा आनंद आता है। तो प्रभु का जो आनंद स्वरूप है, उस सच्चिदघन परमात्मा का, वो पूर्ण रूप से कहीं समुद्भूत हुआ है, आविर्भूत हुआ है, तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में आविर्भूत हुआ है। और उन दत्तात्रेय भगवान के भक्तों को, भक्तों के लिए अत्यंत श्रेयस्कर, पुण्यप्रद और प्रिय ऐसा कोई स्वरूप है भगवान दत्तात्रेय का, तो वो कौन सा है? भक्त कार्य कल्पद्रुम प्रभु करुणामय परेश, विजिताखिल भेद भाव, शमिताखिल राग द्वेष, जय जय प्रभु माणिकेश, जय जय प्रभु माणिकेश। चतुर्थ दत्ता अवतार सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज के रूप में वो प्रभु परमात्मा, वो आदिगुरु दत्तात्रेय जो है यहाँ हमारे सद्गुरु के रूप में यहाँ अवतरित हुआ है। कितना बड़ा हम लोगों का भाग्य है, कितने जन्मों का सुकृत है कि प्रभु जैसा भगवान दत्तात्रेय की परंपरा में वो स्वयं हमारे सद्गुरु बनकर प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। सद्गुरु और गुरु, ये मैं समझता हूं कि मोस्ट कॉमनली मिसअंडरस्टूड एंड मोस्ट कॉमनली मिसयूज्ड टर्म्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यदि आप देखेंगे तो सद्गुरु का जो वहां पर डेफिनेशन दिया गया है वो बहुत विचित्र है। एन इंडियन लीडर, रिलीजियस लीडर हु शोज मिरेकल्स, हु लीड्स पीपल बाय मिरेकल्स, ये सद्गुरु का काम नहीं है। और दुर्भाग्यवश सद्गुरु को आजकल हम वही मानते जा रहे हैं। सद्गुरु कौन है, गुरु कौन है? जो आपको हरी चटनी लाल चटनी खिलाता हो, वो बोलता हो कि नहीं बेटा कौन सी चटनी खाती हो, हरी चटनी? नहीं नहीं नहीं, हरी चटनी मत खाओ, सफेद चटनी खाओ इडली के साथ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपके सिर पर हाथ रख के बोलेंगे 21 दिन तक मेरे आश्रम में रहो, मेरा एक कोर्स पूरा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जनरली अंडरस्टूड टर्म गुरु या सदगुरु आजकल ये जो टीवी पर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ये सदगुरु का हम ऐसा अर्थ समझते हैं। और एक और बात देखिए कि सकलमत संप्रदाय के अनुयायी होते हुए, एक ज्ञान मार्गी संप्रदाय को का अनुसरण करते हुए भी दुर्भाग्यवश हम भी, हमारे जो सदगुरु हमको प्राप्त हैं उनका सदुपयोग, वो जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उनका जो मुख्य लक्षण है, उनका जो मुख्य कार्य है, वो कार्य हम कभी भी उनको करने नहीं देते।
क्या बना देते हैं सदगुरु को? डॉक्टर बना दिया, सदगुरु को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बना दिया, ऑडिटर बना दिया, मैरिज कंसल्टेंट बना दिया, और क्या न जाने क्या 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 समस्याएं लेकर प्रभु के पास, महाराज जी के पास पहुंच जाते हैं। का है महाराज, 3 वर्ष झाले बघा हे पाठीत लो दुखणं काय कमी होत नाही, 3-4 तुमच्याकडे येऊन गेलो, प्रसाद घेतलो। महाराज ते काय हो, आमचं जे भांडणच मिटत नाही प्रॉपर्टीचं, 3-4 अन्न पूजा केलो, कितीदा तरी प्रभूला नमस केलो, ते काय आमचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही बघा आमच्या प्रॉपर्टीचं। ये सद्गुरु को हम काम लगा रहे हैं। एक छोटी सी एक वार्तालाप है जो महाराज श्री के साथ सचमुच में घटित हुआ है, और वो वार्तालाप कन्नड़ में, मैं कन्नड़ में ही आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत मजेदार है, सुनिए आप किस किस तरह के लोग महाराज श्री के पास पहुंचते हैं, सदगुरु के पास पहुंचते हैं। एक सदगृहस्थ आए, पुराने भक्त है महाराज जी के, महाराज जी के पास आए और बोले कानों में आके, महाराज रे स्वल्प प्राइवेट थे माता स्वल्प प्रॉब्लम अद इले हेड़ ऐन प्रॉब्लम अद हेड़ी इले इले बैड मंदी हर स्वल्प प्राइवेट थे ಬರ್ರಿ ಅಂದರ್ಕೆ ಕಕ್ಷ ಮೇ ಮಹಾರಾಜ್ ಉಂಕು ಲೇಖೆ ಗೆ ಬೋಲೆ ಕಿ ಮಹಾರಾಜ್ ರೇ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಮನ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದ ರೀ, ಭಾಳ ಜಗಳ ನಡ್ದಾವ ರೀ, ಜಗಳ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರ ರೀ, ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ರಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಇದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಕಲೆ ಹೊಂಟದ್ರಿ, ಭಾಳ ವಾದ ವಾದ ಜಗಳ ಜಗಳ ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೆ ಜಗಳ ವಾದನೆ ನಾ ಒಂದಂದ್ರೆ ಮತ್ ಏಕಂದ್ರೆ ದು ಅಂತ ನೋಟೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ತೇರೆ ಒಪ್ಪರ್ ಮೇರಾ ಪೈ ನಾ ಏನಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾನೆ, ಏನ್ರಿ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಯದ, ಏ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾಗ ಆಗ್ಯಾವ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಚಲೋ ಅದೇನ್ರಿ, ಭಾಳ ಭಾಳ ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ವಾದ 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 ಕೌ 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 ಜಗಳನೇ ನಡೆದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಬೋಲೆ ಹಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಯ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ವಾದನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ವಾದ ಮಾಡೇಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾದದಾಗ ಈಗ ತನಕ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನಿ ಹೆಣತಿಗೆ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಠೀಕ್ ಅದ ನೀವು ಅಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್? ಹ್ಞೂ ರೀ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅನುಭವದ ಮಾತು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಮಾಡಾರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಹ್ಞೂ ಅನ್ರಿ. ये सारी समस्याएं लेकर हम हमारे गुरु के पास, महाराज जी के पास, प्रभु के पास पहुंचते हैं कि हमारा झगड़ा मिटाओ, हमारे पेट की दर्द को दूर करो, बिजनेस में जो लॉस हो रहा है उसको कम करो, ये सब लेकर। क्या ये उस सदगुरु का काम है जो भक्त कार्य कल्पद्रमादि ब्रीदांकित आपको यहाँ पर सगुण साकार रूप में आपके त्रिविध तापों को दूर कर कर आपके सांसारिक पाश को तोड़ने के लिए बैठा है, उसके पास आप क्या लेके पहुंच रहे हैं? क्या काम है सदगुरु का, क्या लक्षण है उसका? उसका मुख्य लक्षण यह है, आत्मैकत्व के भाव को आपके अंदर सुस्थिर करके सारे जो भेद के भाव हैं, भिन्नता के भाव हैं, उसको मिटा देना। यह सदगुरु का काम है, यह सदगुरु का मुख्य काम है, और यह काम हम करते नहीं है, हम करने नहीं देते सदगुरु को। भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य सद्गुरु के लक्षण बताते हुए कहते हैं, दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरुर् ज्ञानदातुः स्पर्शश्चेत् तत्र कल्पः सनयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम् न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वा लौकिकोऽपि। सद्गुरु का क्या काम है, सद्गुरु का लक्षण क्या है? भगवत पूज्यपाद बताते हैं कि उस सद्गुरु का सानी, उसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है, क्योंकि स्पर्शश्चेत् तत्र कल्पः सनयति यदहो स्वर्णताम् अश्मसारम्। अश्मसारम्, अश्म कहते हैं पत्थर को, अश्माश्चमे मृत्तिकाश्चमे, अश्मसारम माने लोहा, जो ये होता है अपना स्पर्श, यानी क्या होता है पारस, पारस मणि स्पर्श कहते हैं, संस्कृत में स्पर्श कहते हैं, हिंदी में उसको पारस कहते हैं। पारस जो है लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस में यह शक्ति नहीं है कि वो लोहे को फिर पारस बनाए, वो शक्ति उसमें नहीं है, वो केवल और केवल सद्गुरु कर सकता है।
आपको प्रभु स्वरूप या यदि कोई बना सकता है तो वो प्रभु सदगुरु बना सकता है। हमारा जो सकल मत संप्रदाय है इसमें मुख्य कार्य ये है, जो गुरु बैठा है, जो सदगुरु, जो प्रभु बैठा है, सदगुरु सबको प्रभु स्वरूप बनाने के लिए बैठा है। उसमें जो भिन्नता है, भिन्नता के भाव को सदा सदा के लिए मिटाने के लिए बैठा है। भक्त कार्य कल्पद्रूप वृंदावली हम सब नित्य उसका जप करते हैं। उसका जो छठा और सातवां विशेषण है प्रभु का, वो क्या है? अद्वैत और अभेद। अद्वैत और अभेद, अद्वैत की स्थापना, अभेद की स्थापना ही प्रभु संस्थान का और प्रभु के कार्य का मुख्य उद्देश्य है। वो अभेद दृष्टि हमें आनी चाहिए। वो अभेद दृष्टि हमें हमारे हमारे जो आचार्य परंपरा है, हमारी भव्य दिव्य सनातन जो आचार्य परंपरा है, जो अखंडित है, अविच्छिन्न है और वैभवपूर्ण है, भगवान दत्तात्रेय से लेकर आज के ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज तक जो एक अखंडित परंपरा है, उसमें भी भेद नहीं है, कहीं भेद नहीं है। भिन्नता का भाव ही नहीं होना चाहिए, और यदि भिन्नता का भाव आया तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। प्रभु चरित्र के एक दो छोटे प्रसंग आपको बताता हूं। मनोहर माणिक प्रभु महाराज का प्रसंग है ये, उनके चरित्र का। प्रभु महाराज ने जब अपने यह लीला समाप्त करके महासमाधि में प्रवेश करने का निश्चय लिया, तो उन्होंने 7 वर्ष के नन्हे बालक, बाल योगी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमंत स्वरूप थे, मनोहर माणिक प्रभु महाराज, छोटे बालक 7 वर्ष के, उनको अपने पास बुलाया, प्यार से उनको पुचकारा, दुलारा, उनको हार पहनाया, प्रसाद दिया, अनुग्रह किया और इस प्रभु संप्रदाय की और प्रभु पीठ की जो गुरुतर जिम्मेदारी है, इसका भार है, उनके नन्हे कंधों पर वो भार डालकर प्रभु महाराज चिर समाधि में, महासमाधि में लीन हुए। महासमाधि के पश्चात, प्रभु की महासमाधि के पश्चात उस पीठ परंपरा पर मनोहर माणिक प्रभु महाराज आए, बाल योगी, बिल्कुल छोटे से। प्रभु का स्वरूप कैसा था? दाढ़ी थी, साफा था, भव्य सा स्वरूप था। मनोहर माणिक प्रभु महाराज एकदम छोटे से बालक। तो प्रभु महाराज की सेवा में जो लोग रहा करते थे, रावणना पंत गुड़गुंडी थे, चिमणा ब्रह्मचारी थे, बप्पाचार्य थे, अनेक लोग थे, पदम सिंह द्वारपाल था, ये सब प्रभु की जो सेवा का किया करते थे, वो सब अब मनोहर माणिक प्रभु महाराज की सेवा में लग गए, मनोहर माणिक प्रभु महाराज की गुरु की सेवा करने लगे। उसमें एक थे रावजी बुआ, उनकी ये परिपाटी थी कि वो नित्य महाराज श्री को, प्रभु को मध्यान्ह के भोजन के पश्चात, भिक्षा के पश्चात एक पान बनाकर समर्पित किया करते थे। भिक्षा के बाद, दोपहर के भोजन के बाद पान बनाकर देते थे। उनका ये नित्य का क्रम था, कभी नहीं टूटा था, नित्य नित्य बिना चूके। और वो पान कैसा रहता था? तमाकू वाला पान, वो बनाकर प्रभु महाराज को देते। जब मनोहर माणिक प्रभु महाराज पीठ पर आए तो उनको वो सेवा तो अखंडित रखनी है, सेवा को तो आगे चलाना है। तो मनोहर माणिक प्रभु महाराज को जब पान देने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि छोटा बच्चा है, बालक है, उसको कैसे, तो उन्होंने मीठा पान बनाया। उसमें मिश्री डाली, उसमें क्या गुलकंद डाला, सब मधुर पदार्थ डाल के पान बनाया और वो पान महाराष्ट्र के सामने उनको समर्पित किया। मनोहर महाराज ने पान खाया, स्मित हास्य करते हुए, मंद हास्य करते हुए बोले, रावजी बुआ, आपने जो गुरु सेवा की जो परंपरा निरंतर रखी है उसके बारे में तो हमको बहुत आनंद होता है, परंतु मुझे दुख इस बात का होता है कि अब आप इस जगह पर प्रभु को नहीं देखते, यदि देखते तो मेरे मुंह में मीठा पान न होता। यदि आप अपने प्रभु को यहां देखते तो ये मीठा पान भेद कभी उस स्वरूप में, उस गुरु स्वरूप में भेद हमें देखना नहीं चाहिए और दिखाई भी देना नहीं चाहिए। मार्तंड माणिक प्रभु महाराज, जब उनकी तबीयत बहुत नाजुक थी, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, जब वे कमरे से बाहर नहीं आया करते थे, ज्यादातर शेषघर में ही रहा करते थे, तब एक निजाम सरकार के, निजाम प्रशासन के उच्च पदस्थ, लब्ध प्रतिष्ठित ऐसे कोई एक अधिकारी, नवाब, क्योंकि माणिक प्रभु संस्थान का रुतबा और ये दरारा और उसकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि संस्थान में क्या हो रहा है, क्या हालचाल है, यहाँ का न्यूज क्या है, वो हर दिन का निजाम सरकार तक पहुंचता था, क्योंकि
निजाम के सारे इलाके में यदि कोई ऐसा प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्थान था तो माणिक प्रभु संस्थान था। तो वो जो अधिकारी है वो पहुंच गए महाराज श्री के दर्शन को, उन्होंने सलाम वलाम किया, बोले कि हजरत आपकी तबीयत बहुत नासाज दिख रही है, और आपने कुछ आगे का भी इंतजाम किया होगा, कौन आगे आपकी जगह पे गद्दी निशीन होने वाले हैं, इसका कोई इंतजाम कुछ सोच विचार करके आपने रखा होगा। तो महाराज श्री ने उनको जो उत्तर दिया है वो उत्तर हम सबको ध्यान में सदा के लिए रखना चाहिए। उतनी तबीयत नासाज होते हुए भी दो क्षण के लिए महाराज श्री ने अपनी आंखें खोली और कहा कि नवाब साहब एक बात ध्यान में रख लीजिए, इस गद्दी पर मैं अब बैठा हूं और आगे भी इस गद्दी पर मैं ही बैठूंगा, मेरे सिवा इस गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। तो ये जो अखंडता का भाव है, ये जो अभिन्नता का भाव है, ये अभेद अभेद तत्व का भाव, भेद नहीं है उस प्रभु स्वरूप में। अच्छा ठीक है, गुरु स्वरूप में भेद नहीं, मान लिया, गुरु और शिष्य में उसमें भी भेद नहीं है। माणिक चिहा चिन्ह मारता अंड बाबा, पद्यमाला खोल लीजिए, प्रभु का चरित्र देखिए, प्रभु का वांग्मय देखिए, प्रभु के उपदेश देखिए, कुछ भी देखिए आप, जन चला चला गुज पहाण्या हो ज्ञान रूप मार्तांड श्री प्रभु श्री माणिक अपन चिहोण्या हो, गुरुजी ने मज ब्रह्मचि केले उडवोनिया जीव भाव, गुरुजी गुरु विगे शरण न हो देने स्वयमेव ब्रह्म न आ देने। सब जो है गुरु शिष्य का एकत्व चल रहा है, एक बनाने की बात चल रही है। चिन्माणिक में सर्व ही झालो आनंदी आनंद, किसी ने एक बार विनोद में महाराष्ट्र से कहा था, महाराज ये सगड़ ठीक है, वो वेदांत वगैरह सगड़ ठीक है, चिन्माणिक में सर्व ही झालो वगैरह ठीक है, वेदांत बोलायला ठीक है, पण काय सगळेच जर माणिक झालो आणि पायावर पाय घालून घरात बसलो तर माणिकनगरचं कसं भाव, माणिकनगरला येणार कोण, हे व्याप इथलं एवढं मोठं तुम्ही करून ठेवला, सगळेच जर माणिक प्रभू होऊन पायावर पाय घालून बसले, चिन्माणिक आम्ही सर अरे आम्ही सगळे माणिक प्रभू आहोत, आम्हाला कुठं जायची गरज नाही, चिन्माणिक आम्ही सर्वही झालं। तो बात ये है कि चिन्माणिक सबको माणिक बनाना ही प्रभु संस्थान का कार्य है, महाराज श्री का कार्य है। और जिस दिन प्रत्येक माणिक नगर आने वाला प्रभु भक्त, प्रत्येक सकलमत संप्रदाय का अनुयायी ये समझेगा कि मैं स्वयं माणिक हूं, मैं स्वयं प्रभु स्वरूप हूं, तभी हमारा कार्य पूर्ण होगा। और इसी कार्य को करने के लिए महाराज श्री यहां पर बैठे, स्वयं साम्यम विधत्ते, अपने जैसा अपने शिष्य को बना देना, यही काम प्रभु महाराज का है, यही काम श्री जी कर रहे हैं। स्वयं साम्यम विधत्ते, अपने में और अपने शिष्य में कोई भेद नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। और ये जो अभेद की बात है, शिष्य में और गुरु में अभेद, इसका यदि ज्वलंत जीवंत और वैभवपूर्ण उदाहरण यदि आपको देखना है तो वो केवल और केवल माणिक नगर में आपको दिखाई देगा। और वो कहां दिखाई देगा, भगवती वेंकम्मा के पास आप जाइए, स्वयं साम्यम विधत्ते, प्रभु महाराज ने एक अबला स्त्री को, एक वैश्य कुलोत्पन्न साधारण घर की एक अबला विधवा स्त्री को किस स्थान पर ले जाकर बिठाया है, क्योंकि उसकी जो दौड़ थी प्रभु के प्रति, उसका जो उसकी जो लगन थी, श्रद्धा थी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। एक बात ध्यान में रख लीजिए, सच्चा गुरु जो होता है, सच्चा गुरु, मैं सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं, सच्चा गुरु चेला नहीं बनाता, सच्चा गुरु शिष्य नहीं बनाता, सच्चा गुरु गुरु ही बनाता है, सच्चा गुरु सदैव गुरु बनाता है। आर्ये सकल दृश्य कारण कार्य स्मर्ये गुरुवर्ये, शिष्य को गुरु बना दिया, व्यंका सच्चिदानंद वामांका दाविसी गुण पंका, व्यंका नाम जगत जननी कुल भूषण ही अवतरली। शिष्य का वैभव देखिए, चेले का वैभव यदि कहें आपको देखना है गुरु के समान, समान आसन पर। और एक बात मैं आपको बताता हूं, प्रभु संस्थान में यदि प्रभु मंदिर में जैसी वैभवपूर्ण पूजा होती है, उसके समान यदि कहीं पूजा होती होगी तो भगवती वेंकम्मा की पूजा होती है। श्री सूक्त पंचदशावर्तन देवी अथर्वशीर्ष सहस्र कुंकुमार्चन युक्त महापूजा, ऐसी वैभवपूर्ण पूजा शायद ही कहीं किसी एक देवी के मंदिर में होती होगी। वो पूजा आज माणिक नगर में
गुरु की जैसा जैसे पूजा होती है समान रूप से शिष्य की पूजा होती है। इसका ज्वलंत उदाहरण माणिक नगर है। और हम ये कोई एग्जाम्पल लेने के लिए बैठे नहीं है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम दौड़ रहे हैं हमारे संसार के पीछे, जिस तरह वेंकम्मा दौड़ी, जिस तरह वेंकम्मा की दौड़ अपने गुरु की ओर थी, सब संसार के बंधनों को तोड़कर, मोहपाश को तोड़कर, कुचलकर, अपने अहम को, अपनी ममता को, अपने हर चीज को, सांसारिक बंधनों को तोड़कर जैसे प्रभु के पास दौड़ी और ज्ञान उसने पाया, प्रभु ने उसको क्या कर दिया, स्वीयं साम्यं विधत्ते, अपने जैसा बना दिया। हमारी बात वैसी नहीं है। एक और मजेदार सुनाता हूं उदाहरण आपको, महाराष्ट्र उत्सव की बात है। एक किसी सद्भक्त को किसी एक कार्य के लिए, उसके ही एक कार्य के लिए उसने प्रसाद मांगा था। महाराष्ट्र ने कहा कि ठीक है तुम्हें या वेला या नहीं बैठे की रस्तों ने या इस वेला तुम्हारा प्रसाद देता। टाइम बता दिया महाराज जी ने, टाइम बता दिया कि या वेला तुम्हें आयला पाइजे तुम्हारा मैं प्रसाद देता। अब इनको प्रसाद लेने के लिए आना था, महाराष्ट्र ने बुलाया था, समय हो गया, ये आए नहीं आए तो फिर महाराष्ट्र ने मैसेज भेजा, हमारे जो हाजिर पेशी के राजेश गिरी हैं, राजेश गिरी को बोला, बगा गिरी काय कुठे आहेत ते, येतो म्हणले होते चार वाजता प्रसाद घ्यायला, मी बसलो इथं, या म्हणा त्यांना कुठे आहेत बघा। राजेश गिरी गए ढूंढते, कुठे गेले, तो ये महाशय कहीं उनको जत्रे में मिले। नाही कुठं गेला होता तो महाराज विचारत होते तुम्हाला प्रसाद द्यायचं होतं। अरे काय झालं, ते आमचे लातूरचे मामा भेटले होते, ते परवा आमचं ते 50वं लग्नाचं हे झालं ना वाढदिवस, ते कार्यक्रमाबद्दल त्यांना थोडं सांगत होतो, फोटो दाखवत होतो त्यांना, काय कार्यक्रम झालं, नाही ते 50 वर्षाच्या आमच्या लग्नाच्या वाढदिवसाला, ते अॅनिव्हर्सरी होते ना, ते 50 वर्षाच्या कार्यक्रमामध्ये जे डेकोरेशन केले होते, कमळाच्या फुलाचं डेकोरेशन होतं, ते सगळं फार सुंदर कार्यक्रम झालं होतं, कारण काय माहिती का आमच्या बायकोचं नाव पण कमळा आहे हो, म्हणून ते कमळाच्या फुलाचं सगळं डेकोरेशन आम्ही करून सगळं। अच्छा 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 असं केलं काय, गिरीने एक बात कही, गिरी बोला 50 वर्ष झाले ते कमळातून तुम्ही काय बाहेर पडला नाही, अजून कमळामध्येच अटकून पडलात, त्याच्यानंतर कुठे गेलात, नाही ते काय झालं तिथं, ते नरसिंह निलयच्या पुढे ते बोर्ड लावलेत बघा, दत्तजयंती उत्सवात कोण कोण डोनेशन दिलंय म्हणून, ते आमचे दुसरी मुलगी आणि जावई डोनेशन दिलेत, ते कुठं नावच दिसत नव्हतं हो, म्हणून 15-20 मिनिट तिथे मी थांबून बघितलो आमचं नाव कधी येतंय म्हणून, ते बघण्यामध्ये काय झालं, सगळं वेळ होऊन गेली बघा, मग मला तिथं गेलो तर महाराज भेटलेच नाही, कुठून निघून गेले होते महाराज। ये हमारी दौड प्रभु के प्रति, हमारा जो हम जिस तरह वेंकम्मा दौड़ी थी, जिस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के बुलावे पर, गुरु के बुलावे पर वो दौड़ी थी, उस तरह की हमारी यदि दौड़ होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूं कि चिन्माणे कामी सर्वे डालो, प्रभु थोड़ी भी उसमें कोताही नहीं बरतेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, स्वयं साम्यम विधत्ते, अपने जैसा बनाने में कोई देर नहीं करेंगे, और हमको प्रभु अपने जैसा बनाए, यही प्रार्थना इस प्रभु दरबार के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं करता हूं। और इस मंच पर आकर अक्सर हैदराबाद की एक प्रसिद्ध गायिका कमला देवी धनाश्री, वो एक गजल गाया करती थी, महाराष्ट्र सिद्धराज महाराज जी को अत्यंत प्रिय ऐसी गजल थी, वो कहती थी, दत्त भगवान मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। दत्त भगवान तो बाहें पसार कर बैठा है अपना बनाने के लिए, हम है कि जा नहीं रहे, हम जब दौड़ कर जाएंगे हर चीज को छोड़कर, संसार के बंधनों को तोड़कर, मोहपाश को काटकर, अहंता ममता को छोड़कर, जब उस प्रभु के पास जाएंगे, उसका काम ही है वो, कोई हम पर उपकार नहीं कर रहा, वो आया ही उस काम के लिए है। किस काम के लिए, हमको भी प्रभु बनाने के लिए, हमको अपने जैसा बनाने के लिए, और वो हमको अपने जैसा बनाए और हमें ज्ञान रूप मार्तांड स्वरूपी अभेद मति जड़ू द्या, ये भाव हमारे में उत्पन्न हो, और यही प्रार्थना हमारी प्रभु चरणों में सदैव रहे, और वो अभेद मति हमें स्थापित हो और प्रभु हमें अपने जैसा बनाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी प्रास्ताविक वाणी को विराम देता और अब मैं प्रभु संस्थान का जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसको प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूंगा।